दोस्तों, क्या आपने ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड का नाम सुना है, जो म्यूनिख टेरर अटैक से संबंधित है। 1972 में जर्मनी के म्यूनिख में ओलंपिक गेम्स हो रहे थे, तब इसराइल के 11 खिलाड़ियों पर आतंकवादियों ने जानलेवा हमला किया। इस हमले को म्यूनिख मैसेकर भी कहा जाता है। इस अटैक में PLO और फतेह ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया। तब इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 20 सालों तक ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड चलाया और इन आतंकवादियों को दुनिया के अलग अलग कोनों से दूर कर मार गिराया। मोसाद का एक और फेमस ऑपरेशन है ऑपरेशन थंडर। साल था 1976 और तारीख 26 जून। फ्रांस से ग्रीस के लिए एक प्लेन ने उड़ान भरी, जिसमें इसराइल के 94 सिटीजन्स थे। उड़ान भरने के बाद यह खबर आई कि प्लेन हाईजैक हो गया है। इस प्लेन को हाईजैक किया था पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फेलस्तीन। हाईजैक के बाद इस प्लेन को युगांडा के एक एयरपोर्ट में लैंड कराया गया। वहाँ के तानाशाह ने भी इन आतंकवादियों का साथ दिया, लेकिन मोसाद ने बिना किसी सपोर्ट के एयरपोर्ट में रेड करी और 90 मिनट के अंदर अपने नागरिकों को छुड़वा लिया। यहाँ आतंकवादियों की डिमांड थी कि इसराइली नागरिकों के